हाय फ्रेंड, मैं हूँ वीणा। मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कुछ यूनिक सा प्लांटर जो हम हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए, घर को सजाने के लिए काम में ला सकते। हम ऐसे कुछ बेसिक सामान का यूज़ करेंगे जो हम घर में से कबाड़ की तरह निकाल देने वाले हैं। उसी सामान से आज हम बनाएंगे प्लांटर्स। मेरे पहले आइडिया के लिए मेरे पास एक ये मिल्क पाउडर का डिब्बा रखा हुआ था जो कोई काम का नहीं था, तो मैंने उस पर एक्रेलिक कलर का वाइट कलर लगा के एक बेस तैयार कर लिया। और बेस का भी आप दो कोट लगा सकते हैं। दूसरे कोट के लिए मैंने स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया है और वो भी एक्रेलिक कलर ही है, और उसे भी एक कोट कर दिया और सूखने रख दिया। जब वो सूख जाएगा पर फिर हम उस पर कुछ डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग करने के लिए मैंने एक मैक्रम का जो थ्रेड आता है उसका यूज़ किया है। उसके छोटे छोटे तीन टुकड़े ले लिए और आपस में ऐसे चिपका कर उसे मैं एक रेनबो जैसा शेप देने के लिए इसे मोड़ दूंगी, जिससे वो रेनबो का शेप ले लेगा। वो थ्रेड का जो एंड है हम एक समान तरीके से छोड़ दे इसे काट लेंगे और उसका जो ट्विस्ट है उसे खोल देंगे। मैंने ऐसे 7 से 8 रेनबो बना लिए थे और वो फेविक्रिल आता है उससे की मदद से भी चिपका सकते हैं, और मैंने डिब्बे पर ऐसे चिपका दिया तो हमारा प्लांटर तैयार है। आप चाहे तो मैक्रम में रेनबो को पेंट कर सकते हैं। दूसरे आइडिया के लिए मैंने एक अमूल चीज़ का जो बॉक्स आता है, थोड़ा वो हमें थिक वाला कोई प्लास्टिक हो भी तो भी चलेगा और थिक वाला पेपर भी चलेगा, उसी के में मैंने एक कॉन जैसा बना लिया है और उसे जो उसका एंड है उसे मैंने सेलो टेप की मदद से चिपका लिया है। फिर मैं वॉल पुट्टी लूँगी और उसमें थोड़ा पानी डाल के इसे एक पेस्ट जैसा तैयार कर लूँगी। हमें ध्यान रखना है कि पानी हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो वो एक स्लरी जैसा बन जाएगा, पर हमें तो इसे क्ले बनानी है। फिर हम कोकोनट कोई भी ऑयल लेंगे हाथ में और क्ले जैसा चिकना बनाने के लिए हम पुट्टी को ऐसे मस लेंगे। थोड़ा आप चाहे तो ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं। उसे चिकना बनाना है और उसे ऐसे गूंथते जाना है हाथ से। फिर उसके दो पोर्शन हम बनाएंगे और जो हमने अमूल चीज़ के बॉक्स में से जो कॉर्न बनाया था ट्रायंगल शेप का, उस पर हम ये वॉल पुट्टी को लगा देंगे और पूरा का पूरा बॉक्स जो कॉर्न का बना है उसे हमें पुट्टी की मदद से पूरे बॉक्स को हमें कवर करना है। थोड़ी थोड़ी पुट्टी लेकर हम उसका जो नीचे का पोर्शन है उसे भी चिपका देंगे और पानी का थोड़ा उंगली में थोड़ा पानी लेंगे और सरफेस को एकदम स्मूथ कर लेंगे। हमें इसमें थोड़ी पेशन रखनी है, कोई जल्दी नहीं करनी है। एक हम सुया लेंगे और एक हॉल बना देंगे जिससे वो वहाँ हम डोरी लगा के उसे हैंग कर सके। अब जब वो 24 घंटे के बाद सूख जाएगा तो हम ये कॉर्न को निकाल देंगे और तैयार है हमारा प्लांटर पेंट करने के लिए। मैंने फेविक्रिल पेंट का यूज़ किया है और मैं उसे डिटेलिंग करने के लिए पेंट कर दूंगी। आप चाहे तो मैंने थोड़ा पेंसिल से रफली डिज़ाइन बना ली थी, अगर आप चाहे तो वो भी बना सकते हैं। और अगर आप ड्राइंग में कुछ ज़्यादा अच्छे हैं तो आप डिज़ाइन ना बनाए ऐसे ही पेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाने के ट्राई किया है कि जिससे इसका लुक थोड़ा सिरेमिक का कोई प्लांटर हो ऐसा आए। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर और कोई भी डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। मेरा
प्लांटर पूरा पेंट हो गया है। अब मैं एक ब्लैक कलर का मार्कर लूँगी और उसकी बॉर्डर को ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर दूँगी। आप हाईलाइट करने के लिए कुछ दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप येल्लो उसमें फिल भी कर सकते, पर मुझे वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन ही चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ और कलर ऐड नहीं किए है और ब्लैक मार्कर की मदद से थोड़ा डिटेलिंग कर दिया है। नेक्स्ट आइडिया के लिए मेरे पास ये कैडबरी का ड्रिंकिंग चॉकलेट का जो पर्पल कलर का डिब्बा आता है खाली, वो है, तो मैं उस पर एक वाइट कलर का बेज लगा देती हूँ। आप चाहे तो आपका डिब्बा अगर कवर ना होए तो दो बार भी लगा सकते हैं, और उस पर मैं येलो कलर का पूरा पेंट कर दूंगी। जब वो सूख जाएगा तब उस पर मैंने कुछ रफली डिज़ाइन कैक्टस और फ्लावर के कुछ पेंट कर लिए है, और उसे भी हम कलरफुल पेंट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। डिटेलिंग करने के लिए मैंने मार्कर की मदद से कैक्टस को, फ्लावर को कुछ सजाने के लिए कुछ डिटेल भी ऐड कर दी है। वो डिटेल के लिए मैंने ज़्यादातर वो थॉर्न होते हैं कैक्टस के, वो ही डिज़ाइन प्रिफर की है, क्योंकि मैंने कैक्टस की डिज़ाइन पसंद की है। तो आप ऐसे ही आपके हिसाब से सजा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है वो बहुत सिंपल है। मेरे पास मेरे बेटे का ये बॉल रखा हुआ था जो टूट गया था, तो हवा निकल गई थी, तो मैंने उसमें से ऊपर से ऐसे चोरस कट कर लिया, जिससे मैं वहाँ पर प्लांट कर लगा सकूँ। आप चाहे तो इसमें मिट्टी भरकर भी लगा सकते हैं और पॉट भी रख सकते हैं। चार साइड पर मैंने होल बना दिए हैं और डोरी की मदद से सामने सामने के दो होल में मैंने डोरी पास करके अंदर की तरफ जो छेड़ा है उस पर गांठ लगा दी है, और ऐसे ही मेरा सिंपल तरीके से प्लांटर रेडी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर। उसके लिए मेरे पास एक प्लास्टिक का खाली डिब्बा रखा होता है जिसका लीड टूट गया था, तो उस पर मैंने एक वाइट कलर का बेस लगा दिया है, और ऊपर की तरफ उसका जो मुंह होता है वहाँ मैं गोल्डन येलो जैसा कलर कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसे एक वो हमारा होता है ना अचार भरने वाली बर्नी जैसा लुक देना था, तो मैंने वो कलर लगा दिया है। अब मैं फेविकोल मोल्डेड को ऐसे कंबाइन करके उसके कुछ एलिमेंट्स बनाऊंगी। फ्लावर और हनी भी मैंने बनाया है और फेविकोल की मदद से चिपका दूंगी। फिर उसे मुझे पेंट भी करना है, और आजू बाजू में मैंने कुछ हनी भी के छत्ते हो ऐसी डिज़ाइन पेंसिल से ड्रॉ कर ली है, और फिर मैं उसे पेंट भी करने वाली हूँ। Wow.
sound like I'm not there for you. तैयार है हमारा हनी बी के छत्ते वाला प्लांटर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।